23 जून 2023 को विकासखंड 96 की ग्राम सभा कुरौठी पांडे एवं ग्राम सभा जोपा में ग्राम चौपाल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि शासन के आदेश अनुसार प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव की समस्या का गांव में ही निदान हो सके। इसके लिए ग्राम चौपाल किया जाता है। ग्राम सभा कुरौठी पांडे में ग्राम प्रधान दिवाकर सिंह, ग्राम प्रधान जोपा गोवर्धन सिंह व प्रधान संघ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया और ग्राम चौपाल की अध्यक्षता की। इस दौरान ब्लॉक के सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम सभा जोपा में ग्राम प्रधान ने कहा कि जो भी समस्या आई है उस समस्या का हम निदान करेंगे और जल्द से जल्द उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि एक शिकायत का निवारण तुरंत कर दिया गया। अन्य के लिए प्रधान ने कहा कि जल्द से जल्द हम इसका निवारण करेंगे। ग्राम चौपाल शासन की मंशा के अनुसार गांव की समस्या गांव में ही समाधान हो जाए, इसलिए सरकार द्वारा ये हर शुक्रवार को एक ब्लॉक में दो ग्राम सभाओं में लगाई जाती है। तो उसी क्रम में आज हमारी ग्राम सभा नहीं चल रहा है। गांव में नाली, खड़ंजा, आवास, पेंशन, यही सब समस्याएं हैं जिसका अधिकारियों द्वारा सुना गया है। उसका निस्तारण करने के लिए एक महीने का समय दिया। एक महिला ने कहा कि उसके पास रहने के लिए आवास नहीं, इसी पंचायत भवन में रहती है। हाँ, तो आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है उसके रहने? उसके पास जमीन नहीं है और चूंकि अभी 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार आवास आवंटित किए गए हैं, जिसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है कि हम उसको आवास दे दें। लेकिन अपने अपने स्तर से मैं 2-3 बार प्रयास किया, भेजा, लेकिन कोई उसकी अभी जब आईडी ही जनरेट हो रही है 2011 के अलावा। लेकिन एक आपकी सराहनीय पहल है कि जो उसके रहने के लिए हम जब से प्रधान हुए हैं 2016 से हम उसको यही दे दिए हैं। अपना एक किनारे रह रही है, जब भी ज़रूरत होती है उसको बाहर रखवाते हैं, सामान फिर अंदर करा लेते हैं। उसको जमीन भी दिलवा दिए हैं बगल में थोड़ा सा। जब फिर से जनगणना होगा, आवास के लिए चयन की प्रक्रिया होगी, तो उसका चयन प्राथमिकता के तहत। बाबूलाल गौतम, R9 भारत।